वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। हैलाइड ऑफ फास्फोरस मींस फास्फोरस का हैलोजन से बॉन्ड बनेगा। आपको पता है जो हैलोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो फास्फोरस है वो पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन के जस्ट बिलो है, यानी कि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ठीक ठाक है, जिसकी वजह से जब फास्फोरस हैलोजन से बॉन्ड बनाता है तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, किसका, फास्फोरस का और हैलोजन का, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है तो कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड बनेंगे वो कोवलेंट नेचर के बनेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता तो आयनिक कंपाउंड बनते। अब कौन से बनते हैं? कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। फास्फोरस बेसिकली तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिसमें वो हैलाइड बनाता है। पहली है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके अंदर जब फास्फोरस हैलोजन से बॉन्ड बनाता है तो वो PX5 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक PF5, PCl5, इस तरीके से। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसके अंदर भी फास्फोरस हैलाइड बनाता है, लाइक PX3 मॉलिक्यूल। PX3 जैसे कि PF3 है, PCl3 है, PBr3 है। एक है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हालांकि देखने में ये यूजुअल नहीं लगता क्योंकि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके अंदर +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एलिमेंट्स, बट फास्फोरस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो इस तरीके के मॉलिक्यूल बनाता है जैसे कि डायमर बने हुए हों, लाइक फास्फोरस फास्फोरस से एक बॉन्ड बनाएगा तो इसकी एक कोवलेंसी यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगी और इलेक्ट्रोवलेंसी दो रहेगी, एक हैलोजन के साथ यहाँ फास्फोरस बॉन्ड बनाएगा, दूसरे के साथ यहाँ पे, एक हैलोजन के साथ यहाँ पे और यहाँ पे। लाइक फास्फोरस को तो तीन ही बॉन्ड बनाने हैं एज यूजुअल, जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली में बनाते हैं 3 या 5 बॉन्ड, और फास्फोरस फास्फोरस का एक बॉन्ड हो जाता है और 2 बॉन्ड फास्फोरस के हैलोजन के साथ होते हैं। ऐसा अपीयर होता है लाइक PX2 मॉलिक्यूल का डाइमर बन गया हो तो P2X4 टाइप के यहाँ पे हैलाइड हमें मिलते हैं। अब जितने भी फास्फोरस के हैलाइड हैं ये क्लोरीनेटिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। आपके सिलेबस में दो ही फास्फोरस के हैलाइड हैं, एक है PCl3 यानी PX3 टाइप और दूसरा है PCl5 यानी कि PX5 टाइप। तो स्टार्ट करते हैं PX3 यानी कि PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला PCl3 है और इसको प्रिपेयर अगर करना है तो ड्राई फास्फोरस को क्लोरीन गैस के साथ हीट किया जाता है। P4+6Cl2 गिव राइज टू 4 PCl3 मॉलिक्यूल, यानी 4 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। अल्टरनेटिवली फास्फोरस को अगर थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ हीट किया जाए तो भी PCl3 मॉलिक्यूल बनता है, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो बेसिकली फास्फोरस ट्राइक्लोराइड काफ़ी रिएक्टिव मॉलिक्यूल है और वाटर के साथ या किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। वाटर के साथ तो रिएक्शन करते ही PCl3 H3PO3 मॉलिक्यूल बनाता है, और अगर किसी और ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जैसे CH3COH है या फिर C2H5OH है, इनके साथ भी जब रिएक्शन करता है तो H3PO3 मॉलिक्यूल ये बनाता है। और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके साथ इसने रिएक्शन की है उसका हैलोजिनेशन कर देता है यानी क्लोरीनेशन कर देता है, जो भी एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका एसाइल क्लोराइड बना देगा और जो भी अल्कोहल होगा उसका एल्काइल हैलाइड बना देगा। इवन जो PCl3 है ये प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी अल्कोहल का भी हैलोजिनेशन कर देता है। बात करें ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो PCl3 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो POCl3 मॉलिक्यूल बनाता है। POCl3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 3 बॉन्ड क्लोरिन से। अगर SO3 से यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो भी POCl3 मॉलिक्यूल बनता है। PCl3 एक अच्छे लिगेंड की फॉर्म में भी काम करता है, तो जब निकल टेट्राकार्बोनाइल के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है
तो कार्बन मोनोक्साइड तो रिलीज हो जाती है और निकल के साथ चार PCl3 एज ए लिगेंड अटैच हो जाते हैं। यहाँ भी निकल टेट्राकार्बोनाइल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की वो जीरो है, और यहाँ भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। और कार्बोनाइल क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो अगर इसको रिप्लेस कर सकता है तो PCl3 एक काफी अच्छे लिगेंड की फॉर्म में यहाँ पे एक्ट कर सकता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो जो PCl3 है ये लो बॉइलिंग लिक्विड होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 179 केल्विन और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 349 केल्विन है। ये मॉइस्ट एयर के अंदर यानी कि जहाँ पे वाटर मॉइस्चर हो वहाँ पे ये फ्यूम देता है। फ्यूम एक्चुअली में जब ये वाटर से रिएक्शन करता है, हमने पीछे रिएक्शन भी देखी है, तो ये POCl3 बनाता है। तो जो फ्यूम होती है वो POCl3 की होती है। इसकी स्मेल पंजेंट होती है, हाईली इरिटेटिंग होती है। और इसकी शेप की बात करें तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। अब इसको तीन बॉन्ड बनाने हैं तीन हेलोजन से, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर चार ऑर्बिटल बनते हैं जो कि एनर्जी में और शेप में इक्विवेलेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनेगा। टेट्राहेड्रल की एक पोजीशन को तो लोन पेयर एक्वायर कर लेगा और बाकी जो तीन पोजीशन हैं उनके ऊपर हेलोजन का बॉन्ड बन जाएगा यानी कि क्लोरीन का बॉन्ड बन जाएगा। तो PCl3 का जो ज्योमेट्री है वो तो है टेट्राहेड्रल। और अगर आप शेप की बात करो, शेप के अंदर हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो वो पिरामिडल शेप होती है। यानी कि फॉस्फोरस और तीन क्लोरीन की बात करें तो वो पिरामिडल शेप है, लेकिन अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उसके अंदर हम लोन पेयर को भी इंक्लूड करेंगे। जब लोन पेयर को इंक्लूड करेंगे तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। बात करें यूजेस की, तो हमने देखा कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जब भी किसी से रिएक्शन करता है तो क्लोरीन लगा देता है उनके साथ यानी कि हेलोजिनेशन कर देता है, तो इसको हेलोजिनेटिंग एजेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। दूसरा, जैसे प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो उनके एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड से असाइल क्लोराइड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मीन्स PCl5 मॉलिक्यूल। PCl5 मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है और ये PCl3 से भी ज्यादा अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है। ये वाटर के साथ फास्ट वाइग्रस रिएक्शन शो करता है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड और डाइथाइल ईथर के अंदर सोल्यूबल होता है। अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो वाइट फॉस्फोरस को अगर क्लोरीन के साथ हीट किया जाए तो PCl5 बनता है। हमने पीछे रिएक्शन देखी थी PCl3 की, जब हमने प्रिपरेशन की थी उसमें भी सेम रिएक्शन थी कि हम क्लोरीन के साथ अगर व्हाइट फॉस्फोरस को हीट कर देते हैं तो PCl3 बनता था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस यही है कि अगर हम क्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं तो PCl5 बनता है, और क्लोरीन का अमाउंट थोड़ा सा लिमिटेड है तो PCl3 मॉलिक्यूल बनता है। हम PCl3 से भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के PCl5 प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन हायर टेम्परेचर पे PCl5 डिकम्पोज होके PCl3 और क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल दे देता है। ये यानी कि जो ये रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। PCl3 से हम PCl5 भी बना सकते हैं और PCl5 हीट करने पे PCl3 में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम अल्टरनेटिव मेथड देखें तो फॉस्फोरस की जब SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, हमने जब PCl3 की प्रिपरेशन की थी तब हमने SOCl2 से रिएक्शन करवाई थी यानी कि थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई थी। अब हम SO2Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं यानी कि हम सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करवा रहे हैं, तब PCl5 बनता है और SO2 गैस रिलीज होती है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ हद तक PCl3 के साथ सिमिलरिटी शो करती हैं। लाइक ये उससे अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो जितनी भी क्लोरीनेशन की रिएक्शन है ये भी शो करेगा। वाटर के साथ ये POCl3 और HCl बनाता है, लेकिन अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो POCl3 फर्दर रिएक्शन कर जाएगा वाटर के साथ और H3PO4 मॉलिक्यूल बनाएगा। ये अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है, इसलिए जो मेटल्स हैं प्योर स्टेट में उनके साथ भी रिएक्शन करके उनके हैलाइड बना देता है। सिल्वर के साथ PCl5 की जब रिएक्शन होती है तो AgCl यानी सिल्वर हैलाइड बनता है और PCl5
PCl3 मॉलिक्यूल बनता है। PCl3 फर्दर जो क्लोरीनेटिंग एजेंट है, लेकिन PCl5 से वो वीकर है। अगर हम अल्कोहल से या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन की बात करें तो वहां पे उनके हैलाइड बना देता है, जैसे C2H5OH के साथ जब रिएक्शन होगी तो C2H5Cl अल्काइल क्लोराइड यानी इथाइल क्लोराइड बनता है, और PCl5 जो है वो POCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर P4O10 से रिएक्शन करवाई जाए तो भी POCl3 बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाई जाए तो भी POCl3 बनता है। अगर पोटासियम फ्लोराइड से रिएक्शन करवाई जाए तो KPF6 मॉलिक्यूल बनता है, जो कि आयनिक इन नेचर होता है, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता है दो एलिमेंट के बीच में, तो उनकी जो बॉन्डिंग है उनके अंदर आयनिक करेक्टर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और कोवलेंट करेक्टर घटना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक है फॉस्फोरस और फ्लोरीन का, बस इसकी जो पोलैरिटी है या फिर आयनिक करेक्टर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो वेपर फॉर्म में और दूसरा सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म इसकी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, सिर्फ 5-6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम इसका सब्लिमेशन पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये लिक्विड की फॉर्म में बहुत कम एग्जिस्ट करता है। तो हम बेसिकली ये कह देते हैं कि सिर्फ वेपर फेज और सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। अगर सॉलिड फेज की बात करें तो वहां पे ये आयनिक सॉलिड है, और जब भी इसके वेपर फेज या लिक्विड फेज की बात करते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है। 439.9 यानी 440 केल्विन के ऊपर ये सबलाइम हो जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलोजिनेटिंग एजेंट के फॉर्म में इसको काफी यूज किया जाता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो PCl5 जब गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो तो ये PCl5 मॉलिक्यूल की फॉर्म में यानी एक ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप वाले मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, sp3d। जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उस केस में 5 ऑर्बिटल बनेंगे जो कि इक्विवेलेंट होंगे एनर्जी में और शेप में, तो वो अपने आप को अरेंज करते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर की फॉर्म में। और जब ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है और 5 इसके ऊपर क्लोरीन अटैच होने हैं, तो हर एक sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ एक क्लोरीन अटैच हो जाता है, और जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बनती है। फॉस्फोरस 3 क्लोरीन इक्वेटर पे यानी 3 इक्विटोरियल क्लोरीन और 2 एक्सियल क्लोरीन। जो एक्सियल क्लोरीन है उनका इक्विटोरियल क्लोरीन से बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, और जो इक्विटोरियल क्लोरीन है उनका आपस में जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री। अब जो इक्विटोरियल क्लोरीन है ये आपस में, क्योंकि 120 डिग्री के एंगल पे है तो बहुत ज्यादा रिपल्शन शो नहीं करती, जब रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, लाइक 202 पिकोमीटर होती है जो इक्विटोरियल क्लोरीन है उनकी फॉस्फोरस से बॉन्ड लेंथ। लेकिन जो एक्सियल क्लोरीन है, एक्सियल क्लोरीन 90 डिग्री के एंगल पे है 3 क्लोरीन से जो कि इक्वेटर पे है, तो 3 इक्विटोरियल क्लोरीन से ये 90 डिग्री के एंगल पे है। आपको पता है जो 90 डिग्री का एंगल है उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्शन थ्योरी ज्यादा रिपल्शन होती है, जबकि 120 डिग्री के ऊपर जो रिपल्शन है वो कम होती है। तो जो एक्सियल क्लोरीन है ये ज्यादा रिपल्शन फील करती हैं, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 214 पिकोमीटर होती है, जो कि 202 पिकोमीटर यानी इक्विटोरियल क्लोरीन फॉस्फोरस बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम इसके सॉलिड फॉर्म की बात करें, सॉलिड फॉर्म में ये आयनिक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। जो PCl4 पॉजिटिव है ये टेट्राहेड्रल शेप लेता है, और जो PCl6 नेगेटिव है ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही इसको मेल्ट किया जाता है, मेल्टिंग तो नहीं कहेंगे हम, इसका सब्लिमेशन ही होता है, तो सबलाइम होने के बाद ये PCl5 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री है। तो ये थे फॉस्फोरस के हैलाइड PCl3 एंड PCl5।